नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? सबसे अच्छी बात मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि आपके लिए अभी सीआरपीएफ की तरफ से लगभग 10,000 वैकेंसी 9,212 ये यहाँ पे घोषणा कर दी गई है और इसके फॉर्म फिलिंग 27 तारीख से इसी 27 तारीख से चालू भी हो जाएंगे और आपका जो पेपर है वो जुलाई में हो जाएगा। इन शॉर्ट मैंने आपकी जो दिल की धड़कन बढ़ाने वाली बात है वो पहले कर दी है। बाकी सारे बातें इस सेशन में आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो और अगर आप सीआरपीएफ में कोई ऐसी अगर वैकेंसी की तरफ आप बैठे हुए हो या उसके राह देख रहे हो तो ये बिल्कुल सही समय है फॉर्म अप्लाई करने का। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि 9,212 पद है, बंपर भर्ती है और मैं इसमें थंबनेल में आपने देखा होगा भर दीजिए फॉर्म क्यों लिखाऊं, इसे लिखाऊं क्योंकि ये नौकरी वन ऑफ द इजीएस्ट नौकरी में से होने वाली है। एक एक चीज मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो 27 तारीख से इसकी क्या हो जाएगी डेट, फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगी। अभी आपको इससे मतलब है 27 तारीख से लास्ट डेट जो है उसका 25 अप्रैल है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है 25 अप्रैल है। और जो आपका एग्जाम होगा वो 1 जुलाई 2023 से लेके 13 जुलाई 2023 के बीच में होगा, ये आपके लिए जरूरी है। दूसरी बात, कौन फॉर्म भर सकता है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 10th वाले फॉर्म भर सकते हैं। इन यहाँ पे इन शॉर्ट में सबको लिख दे रहा हूँ कि ये सीआरपीएफ की वैकेंसी है बच्चों। किसकी है? सीआरपीएफ की वैकेंसी है और सीआरपीएफ में ये 9,212 पद टोटल हैं। इसमें जो एज है अलग अलग ट्रेड, क्योंकि ये टेक्निकल और ट्रेड्समैन के नाम पे है तो ट्रेड्समैन मतलब कि अलग अलग जो ट्रेड होते हैं उनके होगा, बाकी जो टेक्निकल होता है जैसे जो ड्राइवर है उनके रिगार्डिंग यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। जो एज मैं सबसे पहले की क्वालिफिकेशन बता दूँ तो इसमें 10th वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ में कुछ में क्या मांगा हुआ है, आईटीआई मांगा हुआ है। किस केवल जो टेक्निकल वाले ट्रेड है उसमें आईटीआई मांगा हुआ है और जो ड्राइवर वाले हैं उसमें से आपको हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए तो वो आपको क्या मांगा है, डीएल मांगा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ है, वो भी हैवी व्हीकल का ड्राइवर के लिए। तो ये तीन चीज़ है, 10th है, आपके पास आईटीआई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, डीएल होना चाहिए ड्राइवर पोस्ट के लिए। बाकी जो ट्रेड्समैन है उनके लिए कोई स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनका आपका अलग से टेस्ट होगा और वहाँ पर आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हो। क्या इसमें कौन कौन से चरण है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, कॉमन जिसे बोल सकते हो कि आप कंप्यूटर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। इसमें आपके 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, यहीं पे मैं पैटर्न बता दे रहा हूं। यहां पे आपका मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया और आपका इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो लैंग्वेज के तर्ज पे। 3 आपके कॉमन है, 1 में से इंग्लिश हिंदी कोई भी चूज कर सकते हो। पैन इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एसएससी के सीएचएसएल एमटीएस वगैरह होता है वैसे ही इसका है सीआरपीएफ का। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो पद मिलेगा वो कांस्टेबल, किसका मिलेगा, कांस्टेबल का मिलेगा। लेवल 3 के हिसाब से इसकी पेमेंट है 21,000 समथिंग से स्टार्ट होकर 69,000 तक जाएगी। ये मैं सब कुछ आपको यहाँ पे अभी आगे चल के दिखा दूंगा, बट आपको जो मतलब है मेन चीज वो मैं आपको बता दूं। पहला चरण आपका सीबीटी का होगा, 25 क्वेश्चन सब में पूछेगा टोटल, आपके यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन होगा, 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 टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 1/4 की निगेटिव होगी, 1/4 निगेटिव मार्क्स होंगे, टोटल समय आपका 2 घंटे होगा, ये आपका पहला चरण हो जाएगा। इसके बाद आपका जो दूसरा चरण, पेपर का जो दूसरा चरण होगा, वो दूसरा चरण मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दूसरा जो होगा वो PST होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका जो चेस्ट है वो मेजर किया जाएगा। चेस्ट में बता दूं कि पुरुषों का 80 है बिना फुलाए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन होता है PST का चेस्ट का, बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए, वो जैसे अन्य एग्जाम में होता है वैसे बिल्कुल इसमें भी है। जैसे 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तो सब में नेसेसरी होता ही होता है। PST के बाद आपका क्या होगा, PET होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसे हम लोग यहाँ पे रेस बोलेंगे। रेस में भी आपका 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, बाकी जैसा रिलैक्सेशन होता है सबको अपना अपना रिलैक्सेशन मिला हुआ है। उसके बाद और वो भी केवल ड्राइवर वाले पे, जो बाकी हैं ट्रेड्समैन वाले उनमें इतना लंबी दौड़ भी नहीं है, बाकी सब में कम दौड़ है, लगभग 1.6 किलोमीटर, या महिलाओं के लिए भी 107 पद या 106 पद लगभग है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। उन महिलाओं के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, 800 मीटर ही ट्रेड्समैन वाले में होता है।
तो पहला आपका सीबीटी हो गया, दूसरा आपका पीएसटी हो गया, तीसरा आपका पीईटी हो गया और चौथा आपकी ट्रेड की परीक्षा हो गई। क्या हो गई? ट्रेड की परीक्षा हो गई। ट्रेड की परीक्षा में जैसे अलग अलग पद हैं, कौन कौन से पद हैं, अब मैं ये सारी चीजें आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे इसमें क्या होता है कि ड्राइवर का तो पद हो ही गया, उसके बाद फिर यहाँ पे जो वर्कशॉप वाले होते हैं, टूल्स वाले, उनका होता ही होता है। मोटर मैकेनिक का यहाँ पे हाई है, ये हमारे टेक्निकल वाले में आ गए। उसके बाद फिर जैसे वॉशरमैन हो गया, कॉबलर हो गया, जैसे धोबी हो गया, या फिर क्या हो गया, नाई हो गया, ये सारी चीजें का इनका अलग अलग जितने भी कैटेगरीज होते हैं सबके अलग अलग ट्रेड के यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है। ऐसे बच्चे जो 10th पास किए हैं और कहीं ना कहीं सीआरपीएफ में ऐसा चाह रहे हैं, ऐसे घर के, मैं उन बच्चों पे फोकस करता हूँ जिनके लिए नौकरी सब कुछ होती है बच्चों। और 10वीं के बाद से ही आप फिर ये मत देखिए कि हम किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अल्टीमेटली परीक्षा है, परीक्षा को पास करना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है क्योंकि ये स्टेट वाइज है, जैसे यूपी का अलग, वेस्ट बंगाल का अलग, केरल का अलग, छत्तीसगढ़ का अलग, बिहार का अलग, मध्य प्रदेश का अलग, जम्मू कश्मीर का अलग, लद्दाख में नहीं है इसमें, बाकी हर जगह का अपना अपना स्टेट वाइज यहाँ पे है। और स्टेट वाइज में कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो जाता है। यूपी की बात किया जाए तो लगभग 1300 सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूपी में ही है भी, इस बात को भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू एक एक करके बता दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको यहाँ पे डिटेलिंग कर दूंगा, वरना ज़्यादा वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी खिंच जाएगी। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ पीडीएफ में ओवरऑली सब कुछ। ये आपको मैंने डेट दिखा ही दिया, फिर हम लोग मेजर पे आते हैं। चार मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होगा, ये वैकेंसीज का है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम के लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां से आप जुड़ जाइएगा, ये पीडीएफ आप पा जाएंगे। और इसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए कि टोटल ये 9212 वैकेंसी, 107 यहाँ पे महिलाओं की, और यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो 9105 वैकेंसी ये है, बाकी वैकेंसीज ऑफ फीमेल पोस्ट अलग अलग है। कौन कौन से पद के लिए हैं इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ड्राइवर के लिए बच्चों 21 से 27 साल होनी चाहिए, 1 अगस्त 2023 तक ये होना चाहिए आपके पास, 2/8/1996 से लेके 1/8/2002 के बीच में होना चाहिए, मतलब 96 के पहले ना हो और 2002 के बाद पैदा ना हो, ये ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल। बाकी सबके लिए 18 से कितना है, 23 साल है, इस चीज को देखो, 5 साल का यहाँ पे है, मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 23 होना चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन होते हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, ऐसे ही अन्य जो हैं वो सारे ही यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, आगे यहां पे देख लिया जाए कि कौन कौन सा यहां पे ट्रेड वगैरह का मैं आपको दिखा दूं और क्या क्या पूछेगा। तो देखो कौन कौन से ट्रेड हैं, सिटी ड्राइवर यहां पे है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पे मैट्रिक होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, साथ में ही क्या होना चाहिए, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और वहां पे जो ट्रेड का एग्जाम होगा, ड्राइविंग का आपका करवाया जाएगा टेस्ट, वो आपको पास करना पड़ेगा, तो ड्राइवर आप बन जाएंगे। कांस्टेबल का होगा, आप कुछ भी बनो, जो आपको ये देखो डेजिग्नेशन क्या है वो कांस्टेबल का है, आप बोले क्या जाओगे, कांस्टेबल बोले जाओगे, और ये सबसे अच्छी बात है। इस हिसाब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी को ये फॉर्म भरना चाहिए जो भी एलिजिबल हैं, 10th पास कर लिए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मिनिमम मेट्रिकुलेट और 10th क्लास पास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट, ये किसके लिए है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसके लिए 2 साल का आईटीआई होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी जिसे बोलते हैं इसमें होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए भाई, नेशनल स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और एनी अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसके अलावा एक 3 साल का भी होता है, वो वाला आपका आईटीआई होना चाहिए फॉर ऑल अदर, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, बट उसके लिए सर्टिफिकेट की बात नहीं किया, एक्सपीरियंस की बात किया है बस। अदर जो ट्रेड्समैन है, ट्रेड्समैन में जैसे अलग अलग जो होते हैं मैंने आपको बता दिया, उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10th की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्रोफेशनल एंड वर्क्ड इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, उसमें आपको काम करना चाहिए लेकिन कोई इसका सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें एक खास प्रकार की पायनियर बिंग सिटी मैसन प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का भी है, जिसमें से कुल कुछ अलग से पद हैं, इनकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है और टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वही, वन ईयर एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड एज अ मेजनरी और प्लम्बिंग, प्लम्बर मतलब जो फिटिंग वगैरह का काम करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं। तो ये आपका मेन जो है वो मैंने पद के बारे में बता दिया, एज के बारे में बता दिया, क्या है वो भी बता दिया। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपना डोमिसाइल जो आपका है वो फॉर्म के साथ ही लगना पड़ेगा और वो ज़रूरी भी है। डोमिसाइल अगर गलत हो गया तो बाद में भी आप डिबार कर दिए जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे, आप वहाँ पे फाइनली रिक्रूट नहीं किया जाओगे कि फॉर्म में कोई दूसरा डोमिसाइल लगा रहे हो पहुँच, और जब डीवी के पास डीवी के टाइम पे जा रहे हो तो दूसरा डोमिसाइल, डोमिसाइल आपका वही होना चाहिए क्योंकि ये स्टेट वाइज है तो उसी स्टेट में आपको जॉब भी मिलेगी। यूपी के हो तो यूपी में ही आपके एग्जाम के सेंटर होंगे और यूपी में ही आपको क्या मिलेगा, जॉब भी मिलेगा। ऐसे
ही अपने राज्य में ही आपका सेंटर होगा, आपके राज्य में आपको नौकरी मिलेगी। सभी के लिए केवल एक पेपर है और वो एक लंबा पेपर चलेगा, नॉर्मलाइजेशन का रूल अच्छा होगा। ये मैंने आपको बता दिया, 120 मिनट आपको पेपर मिलेंगे, 1/4 आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। सिलेबस आपका जैसे MTS वगैरह CHSL का होता है, सेम सिलेबस आपका ऐसे है। ऐसा लग रहा है कि ये आपका क्या है, जो SSC वगैरह करवाती है लगभग उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम भी होगा। हाइट भी इसमें होना चाहिए, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट और चेस्ट लेगा, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, 180 इसमें नहीं है, ध्यान देना, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट के लिए बाकी जैसे रिलैक्सेशन होता है सबके लिए, वो रिलैक्सेशन भी दिया गया है। चेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि 80 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, एक्सपेंड मिनिमम 5 सेंटीमीटर करना चाहिए। और जैसे रिलैक्सेशन मिलता है सबके लिए, सारे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ST जो होते हैं उन्हें 76 ही करना है, या फिर ऐसे कोई गढ़वाली, कुमाऊं, डागरों, मराठा होते हैं उनको 78 ही करना है। तो ये चीज़ आपको देख लीजिएगा, रिलैक्सेशन जैसे सब में है एग्जैक्टली वैसे ही है, इसे अलग से कर दिया जाएगा। फिर जो रेस है, रेस में मैंने बताया ड्राइवर में 5 किलोमीटर 24 मिनट में करना है, फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.30 मिनट में करना है, ठीक है। लद्दाख में है नहीं तो लद्दाख रीजन के लिए ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद देखा जाए तो जो बगलर होते हैं, बगलर मतलब वो जो बजाने वाले होते हैं, जो ब्रास बैंड टाइप में जो बजाते हैं, जो परेड वरेड कराते हैं, वहां पे जो कांस्टेबल होते हैं बजाते हैं, वो उन्हें बगलर बोलते हैं, बगले बजाते हैं। तो उनके लिए हो गया, या कुक हो गया, या वाटर कैरियर हो गया, या बार्बर हो गया, या सिटी हेयर हो गया, ड्रेसर हो गया, वाशरमैन हो गया, वाशरवुमेन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, इनके लिए केवल 1.6 किलोमीटर। तो जो टेक्निकल वाला है, ड्राइवर वाला, उनके लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है, और जो ट्रेड्समैन है उनको केवल 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 10 मिनट में। तो आराम से किया भी जा सकता है, रेस इसकी आसान है। पायनियर बिंग के लिए भी उतना ही है जितना इसके लिए है, ठीक है, इस बात को समझते हुए चलिएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, वेट आपका जो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए, BMI जो होना चाहिए, हाइट के हिसाब से वेट का रेशियो, वो मेडिकली वही होता है, वही होना चाहिए। इसमें आपको मैं बता दूं कि लास्ट में आपके मेडिकल टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट इसका थोड़ा सा कठिन होता है, वो आशीष सर आपको वीडियो बना देंगे। आई टेस्ट का भी अच्छे से इसमें लिया जाता है, ठीक है, वो भी आपको आशीष सर बता देंगे। ट्रेड टेस्ट मैंने बताया कि जैसे ड्राइवर का हो गया, फिटर का हो गया, बस वहां पे आपसे करवा के देखेंगे वो चीज, ठीक है। इसमें कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, ये आपका फिजिकल वैसे ही एग्जाम होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा। बगलर हो गया, टेलर हो गया, कॉबलर हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, गार्डनर हो गया, ब्रास बैंड बजाने वाला हो गया, पाइप बैंड बजाने वाले हो गया, जो बीन की तरह बजाते हैं, ये सब परेड में काम आते हैं। कुक जो हो गया, जो रसोई में काम करता है, वाटर करियर हो गया, बार्बर हो गया या हेयर ड्रेसर हो गया, ठीक है, वाशरमैन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, मैसन जो हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सारे के लिए आपको क्या करना है, केवल आपको एक्सपीरियंस वहां पे करवाएंगे, वो ट्रेड की परीक्षा होगी, कोई रिटन एग्जाम वहां पे नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो रिटन एग्जाम आपका केवल एक है, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिर PET है, फिर आपका ट्रेड है, और एक आपको केवल रिटन एग्जाम निकालना है। अगर ये आप निकाल लेते हो तो आपके लिए नौकरी भी आसान हो जाती है, बाकी सब कुछ होता चलेगा, क्योंकि सभी लोग इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। जो भाई अगर बार्बर है तो जिसे बाल काटना आएगा वही तो भरेगा, या फिर जो वॉशरमैन है जो कपड़ा धुलेगा वही तो आएगा, तो इस कारण से वो बड़ी मेरिट वाली भीड़ नहीं होती है, कम मेरिट वाली भीड़ होती है। तो जो बच्चे 10th क्वालिफाइड हो या एलिजिबल हो, इस एज ग्रुप में आ रहे हो, उन सभी को मैं बोल रहा हूँ, एक बार भरिए। परीक्षा कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, नौकरी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, आज के समय में हमारे लिए नौकरी ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस कारण से आप सभी को यह फॉर्म भरना चाहिए, 100 रुपये केवल फॉर्म के हैं, बाकी वो भी केवल जनरल OBC और EWS के लिए, बाकी सबके लिए 0 रुपये है, 1 रुपये भी उसमें लिया भी नहीं जा रहा है। तो तैयारी करिए। बाकी आपकी तैयारी कहां से करनी है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, टीम परीक्षा प्लस इसकी तैयारी बहुत भयानक रूप से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बुम्पर तरीके से करवाने वाली है। इसका आपका डेडिकेटेड बैच भी हम लोग लॉन्च करेंगे, उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको जल्द से जल्द दे दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट पहले ही कर दे रहा हूं, ठीक है। इस जो आपके जो आप चाहते हो मेन, ठीक, कि इसकी हमें तैयारी करनी कहाँ से है, तो हम सबसे पहले आपको CBT का ही तैयारी करवाएंगे। हम आपके लिए एक आपके फ्री क्लास लेके आएंगे, ये फ्री प्रैक्टिस क्लास, ऐसे बच्चे जो इससे पहले कहीं पे आप तैयारी करते आ रहे हो, आपको नई क्लास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो ये फ्री प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे, ये परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे चलेगा। जिस चैनल पे आप ये देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये मिलता रहे, यूट्यूब चैनल पे मिलता है, मिलेगा, ये बात बता रहा हूँ। एक डेडिकेटेड बैच आएगा, टारगेट बैच आएगा, जिसके बारे में जल्दी मैं बता दूंगा। ये उन बच्चों के लिए है जो फ्रेशर है, जो नए हैं, जो अभी अभी 10th पास करके आए हैं या इस एज ग्रुप में हैं और अभी एग्जाम की तैयारी करना शुरू किए हैं। फिर भी अगर आपको समस्या होती है, पैसे की दिक्कत होती है, आप टारगेट बैच भी नहीं ज्वाइन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरा कॉन्सेप्ट भी मजबूत होता रहे, तो एक हम लोग बच्चों बैच स्टार्ट कर रहे हैं SSC फाउंडेशन का, जिसमें हम SSC के सारे एग्जाम को कवर करेंगे। ये हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं,
तो आप चाहो तो इस बैच से पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट मजबूत कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस जो हम लोग करवाएंगे इस बैच का, वो इसी पे डेडिकेटेड करवाएंगे। तो इस बैच को मिला के आपका काम बन जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपको अननेसेसरी मेहनत ना करना पड़े, एकदम टारगेटेड चीज मिले, क्योंकि टारगेट बैच है तो जाहिर सी बात है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। SSC में हम CGL को भी कवर करेंगे, हम MTS को भी कवर करेंगे, हम CHSL को भी कवर करेंगे। तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो जाए, बट इसका लेवल आपका 10th वाले लेवल पे ही हम लोग लेके चलेंगे। तो अगर आप इनसे में से किसी से भी जुड़ना चाहते हो, सर्वप्रथम तो आप परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। दूसरी बात, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ बच्चों। और इसके अतिरिक्त आप परीक्षा प्लस का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। बैच अनाउंस होगा तो भी आपको बताया जाएगा, मैं खुद आऊंगा आपको बताने के लिए। और उम्मीद है जितनी इंफॉर्मेशन मैं कम से कम समय में रखने का प्रयास किया हूं, आपको कुछ जो मतलब की थी वो सारी चीजें आपको मिल गई होंगी। इसके अतिरिक्त भी बच्चों कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो निसंकोच होकर बिना किसी झिझक के आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन दे सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। हमारी पूरी टीम आपके एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए पूरा तत्पर रहेगी और आपको एक एक प्रश्न का जवाब मिलेगा भी। फिर मिलते हैं, हम लोग जल्दी बैच में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।